मानव, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी पराए लोग वो खुशी दे देते हैं जो अपने लोग नहीं देते। आप अनाथालय के मालिक की बात कर रहे हैं? मानव, मेरा भी अच्छे लोगों पर से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन जब आज उन्हें देखा तो लगा कि अच्छे लोग हैं। क्या कर रही हो? कभी साड़ी ऊपर नीचे। मानव, बस कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रही हूँ साड़ी रखने के लिए। अच्छी सी जगह का मतलब क्या? अच्छी सी जगह का मतलब यह है कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती, क्योंकि इसे आपने मुझे दिया और मैं इसे जिंदगी भर ऐसे ही रखना चाहती हूँ। इतना ही अच्छा। फिर तो तुम्हें एक और जगह ढूंढनी पड़ेगी। मतलब? बैठो 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 बैठो। क्या बात है मानो, मुझे साड़ी रखनी है। एक मिनट, तुम्हारे लिए एक और चीज लेके आओ। एक और चीज? एक और तोहफा। ये मैं तुम्हें सबके सामने इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इसको देख के जो तुम्हारे चेहरे पे खुशी आएगी वो सिर्फ मैं देखना चाहता, किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। क्या है इसमें? मानव, तो कितना सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। आप कभी ना ये सब सुंदर। लॉकेट खोल के देखो। मानव, ये तो हमारी फोटो है, लेकिन ये खाली जगह किसके लिए? तुम सोचो। बताइए ना मानव, किसके लिए? हमारे बच्चे के लिए। हमारे बच्चे के लिए? मानव, आप कितना सोचते हैं हमारे बच्चे के बारे में? बहुत सोचता हूँ और बहुत प्यार भी करता हूँ। ये बच्चा हमारे भविष्य, हमारी खुशी, सब कुछ, हमारी उम्मीद, सब कुछ होगा। और देखना, ये आने से पहले हमें जितनी खुशी दे रहे हैं ना, हम उसे उससे ज्यादा खुशी देंगे। बहुत अच्छे से उसका परवरिश करेंगे, है ना? कब से देख रही हूँ। क्या हुआ तुझे, क्या चाहिए? सो ना, पेट भर गया है तेरा। हाँ, तू क्यों सोता नहीं? सो ना बच्चा, सो ना। हाँ, कुत्तू देख। अरे कुत्तू आई। अरे सुन ना राजा, देख ना, ये रोए जा रहे। क्या हुआ सच्चू को? उसको खाना खिलाए और सुलाने की कोशिश कर रही, रोए जा रहे। आई, मुझे सर से भूख लग रही, मैं भी दूध ले। अरे अभी तो खाना खिलाया, वही तो बता रही थी मैं, खाना खिलाया और सुलाने की कोशिश कर रही। तू एक काम कर, ले अपने बेटे को उठा ले। अरे ऐसे क्या देख रही, तू इसे अपना बेटा नहीं मानती क्या? ले। आज से मेरे सच्चू की जिम्मेदारी तुझ पर है। हा? उसे प्यार कर, उसे माँ का प्यार दे। देख, मैं बुढ़ी हो गई ना, मेरे से कुछ होता नहीं, इधर उधर भूल आती हूँ। ये मेरा सिर्फ पोता नहीं, ये मेरी अमानत है। इसको कुछ अगर हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे भरोसा है, मैं सच्चू का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। अपने बच्चे से मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जा, उसे शांत कर, सुला दे। देख ना आई, आप मत चिंता कीजिए। और एक और बार, थैंक यू। वहां पर इतना बड़ा बिल देखकर मैं तो डर गई थी। भला उस आदमी का जिसने आकर सारा बिल दे दिया, नहीं तो हम लोग क्या करते? सब लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। कुछ भी कहो सुलोचना, लेकिन आज एक बात तय हो गई कि ये पार्टी वार्टी का प्लानिंग करना, लेन देन संभालना, ये औरतों के काम नहीं है। औरतों का काम तो बस गृहस्थी संभालना है। सही वक्त पे अगर पेमेंट नहीं होता ना तो हम सबको बर्तन मांजने पड़ते हैं। अरे आपको मौका नहीं मिला और आपने ताने देने शुरू कर दिए। देखिए इतने बुरे दिन नहीं आ गए हमारे, समझे ना। सही कह रही आई तू। अगर ऐसा हुआ होता ना तो बिल कितना आया था। सतीश जी जो भी तो थे वो देते थे पैसे। नहीं सतीश था, लेकिन मैं उससे पैसे नहीं मांगती। अगर इतनी नौबत आती ना तो मैं सीधे ढाबे के मालिक के पास जाती और कहती इतने लोगों को हमने नहीं बुलाया, जो ज्यादा लोग आए आप पैसे उनसे मांग लीजिए। सुलोचना, अपने घर में सभी शेर बनते हैं, लेकिन ढाबे पे तुम्हारा और सविता ताई का चेहरा देखने लायक बन गया था। बाबा ये बात तो बाद में भी होती रहेंगी, बस पहले हमें ये सोचना होगा कि ढाबे के मालिक को किसने कहा कि सब लोगों का बिल हम भरेंगे। हाँ विनोद, मैं भी इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि वो कौन हो सकता है जिसने हमारे साथ ऐसा किया होगा, क्योंकि हम में से तो कोई ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सबको पता था कि हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इतने सारे लोगों के सामने हमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कौन हमारी बेइज्जती करना चाहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें नहीं बल्कि मानव को बेइज्जत करना चाहता हो। विनोद, सुलोचना, अब छोड़ दो इन बातों को। घर में बैठे बैठे अंदाजा लगाने से इस सवाल का जवाब तो मिलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना वो आगे चलकर सामने आएगा ही। इस वक्त हमें वर्षा के बारे में सोचकर खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि उसे बच्चा गोद लेने की परमिशन मिल गई है और उसके साथ साथ अर्चू और वर्षू के बीच में जो दूरियां थी वो भी मिट गई हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। गणपति बप्पा ने मेरी बात सुन ली। देखिए ना, अर्चना को उसका ससुराल वापस मिल गया और वर्षा का भी बच्चे का सपना पूरा हो गया। बस अब मुझे वैशाली की चिंता है। एक बार इसकी जिंदगी सवर जाए तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। वैशु बेटी, तूने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया? देखो बेटी, इस बारे में तुम्हें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना ही होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा खेलेगा ना, तो इसके बारे में फैसला करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा बेटी। बाबा, मुझे और थोड़ा समय चाहिए। और कितना वक्त चाहिए तुझे वैशु? देख, जो भी तू चाहती थी वही हो रहा है ना। दादा, फिर भी मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। वैशु देख, तुझ पर यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। ये तेरी और तेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तू सोच समझ कर ही फैसला करना, और तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं, समझे ना। आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट के लिए तोहफा, बच्चे की आई की तरफ से बच्चे के बाबा को शादी की सालगिरह का ये प्यारा सा तोहफा। मेरी चाय बनी कि नहीं? बस वो बन रही है। और तू आज नाश्ते के लिए भजिया बनाने वाली थी। बस बाबा बना ही रही हूँ। क्या हुआ? मैंने कुछ चुटकुला सुना है। अरे ये ऐसा मुंह पसर के तू हंस रही है। अच्छे लग तेरे राज में तो कभी चाय नाश्ता मिला नहीं ढंग का, बहू के राज में तो मिलने दे। कर दी है नहीं तुम्हारे मुंह से ये बहू सुनने की आदत नहीं ना, इसलिए हंसी आई मुझे। कैसी आदत होगी, कभी मौका दिया है तूने मुझे। अब अर्चना इस घर में आई है, यहाँ आई है तो मैं उसे हक से बहू पुकारूंगा। देख बहू ऐसे, तुम बहू या अर्चना बुलाओ, मेरा कुछ नहीं जाता, तुम्हारी मर्जी। अर्चना इसकी दवा ये अर्चना की दवाई, उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना, पेट में दर्द होता है। अरे तो डॉक्टर ने कहा है कि विटामिन की कमी है, इसलिए ये दवाई। अरे बेटा ऐसे दिनों में ये छोटा मोटा दर्द होते ही रहता है, इसके लिए ये दवा नहीं है, समझा तू? हाँ आई, ये फेंक दी मैंने, फेंक दी। तेरा मुझ पर विश्वास है कि नहीं? बता बता बता, एक मिनट। हाँ देख मैं तुझे वैद्य की दवा बना के देती हूँ, ये जो रखा है ना सामान। अरे घरेलू नुस्खे है बाबा, ये ऐसा जाना नहीं डॉक्टर विक्टर। तू तेरी जो डॉक्टर है ना उसकी मैं बाप हूँ बाप, समझा ना। देख ये दे दे, तू जा 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 अपना काम कर, मुझे सिखाने के लिए मत आओ, जा मुझे काम करने दे। मैं देती हूँ बेटा तुझे दवा ये बना के, ये डॉक्टर विक्टर कुछ नहीं होता है। आई तेरी कोई भी बात मेरे समझ में नहीं आती, तू जो बोलती है करती है सोचती है सब कुछ मेरे समझ के बाहर है। अरे एक तरफ तू कहती है तू अर्चना मानव से नफरत करती और दूसरी तरफ उनकी खुशी में शामिल होने पार्टी चली जाती है। अरे तू साबित क्या करना चाह रही है? देखा अगर तुझे अर्चना मानव के लिए इतना प्यार उमड़ा है तो साफ साफ बता दे, मैं अभी जाकर अपनी ना की हुई गलती की माफी मांग लेता हूँ और सब कुछ पहले जैसा ठीक ठाक कर देता हूँ। अरे कुछ बोलेगी भी, क्यों लेकर गई थी मैं पार्टी में? मैं बताती हूँ कि आई हमें वहां पर क्यों लेकर गई थी। आई उनकी खुशी में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बेइज्जत होते हुए देखने गई थी। ए! मुंह बंद रख अपना, कुछ भी बके जा रही है। तो होती कौन है ये सब कुछ कहने वाली? ये तेरी बहू है, उसे बोलने दे। बोल। अजीत मैं सच बोल रही हूँ, आई अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी आई ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने घर वालों को बुलाया था, क्योंकि ज्यादा लोगों को बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी करना मेरी आई के लिए मुमकिन नहीं था और आई सुलोचना काकी के लिए। लेकिन आई वहाँ पे बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुँच गई ताकि खाने का बिल बढ़े और मेरी आई वो बिल ना चुका सके और सबके सामने उनकी बेइज्जती हो। क्यों आई? मैं सच कह रही हूँ ना। बोलना है बोल। आई तो अच्छी तरह जानती है कि मानव और मेरे बीच में प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी तू मुझे जलील करने वहां ले गई। अरे क्या साबित करना चाहती थी, क्यों किया तूने ऐसे? पता ना। देखा है जो हो गया सो हो गया, लेकिन दोबारा तुमने ऐसी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताइए सुबह सुबह कैसे आना हुआ? जरा सांस लेने दो, गर्मी से मर गई मैं। हाँ इस साल बहुत गर्मी है और जब तक बारिश नहीं होती ना गर्मी से छुटकारा नहीं मिलने वाला। आई चाय, आते आते चाय। कशा आहात तुम्ही? तू कशी आहेस? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये आपके पैसे। पैसे? हाँ। कौन से पैसे? आप बिना आपकी बेटी जैसी भुलक्कड़ है। कौन से पैसे क्या पूछ रही है? हम होटल में गए थे पार्टी के लिए, वहाँ किसी अच्छे आदमी ने हमारे पैसे भर दिए तो ये पैसे मेरे पास रह गए, तो इसीलिए मालिक के पास मालिक के पैसे पहुँचा रही हूँ। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अरे जल्दी क्या थी का मतलब क्या? मेरे हाथ में रहते थे ना 2 मिनट में हवा हो जाते थे, इसीलिए मालिक के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिए। एक मिनट इसमें से ये पैसे आपके हैं। अरे क्या बिल तो उसने भरा तो फिर आप भी ना। अरे काकी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी। आई वैशु को उठाए, वो देखो अंदर है। क्या हुआ ताई? अरे वैशु क्या कर रही है तू? जल्दी तैयार हो जा, हमें जाना है। कहाँ? तू मेरे साथ अनाथ आश्रम चल रही है। अरे पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। वो नाश्ता वास्ता छोड़, आई बना लेगी। तू जल्दी तैयार हो जा, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ। हाँ आ रही हूँ। देख बेटा, एक बात कहूँ, इतना उतावला होना अच्छा नहीं है। कोई भी बात धीरज से लेनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान पहुँचता है। ये खुशी के पल है ना, ये धूप की तरह होती है, पल में आती है पल में जाती है। इसलिए खुशी का स्वागत अगर सब्र से करोगी ना, तो दुख भी बहुत धीरे धीरे आता है। आप कहना क्या चाहती है काकी? इतना ही समझ कि सब्र का फल मीठा होता है। चले? चल, आई हम हैं तो। ये आजकल की लड़की अभी ना। जाने दीजिए ना, बच्चे हैं, धीरे धीरे मान जाएंगे। अब छोड़िए इन बातों को, चलिए मैं आपको अपने हाथों से गर्मा गर्म वड़े बना कर खिलाती हूँ। नहीं, मेरे घर में मेरी बहू ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, वहीं जाके खाऊंगी। निकलती हूँ। चल। अरे भाई जल्दी, हाँ चलाओ, शाम तक माल डिस्पैच करना। अच्छा वो मिस्टर कामत कहाँ है? जरा भेजना उन्हें। अच्छा वो अग्रवाल साहब का माल पहुंच गया? फोन आ रहा है काफी उनका। हाँ सर, शाम तक पहुंच जाएगा। हेलो सतीश, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी एक्चुअली सतीश मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मेरी हेल्प? हाँ सतीश, मैं फिर से अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है। जहाँ भी जाता हूँ सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं सतीश, और पूछेंगे क्यों नहीं। हमारे बिजनेस में तुम्हारा साथ होना कल भी हमारे लिए गुडविल था और आज भी है। सतीश मेरे पास फाइनेंस की कमी नहीं है, अगर तुम्हारा गुडविल मिल जाए तो। मेरा गुडविल? और मैं तुम्हें यूज़ करना दूंगा? रमेश तुम ऐसा सोच भी कर सकते हो? कोई एक रीज़न दे दो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। सतीश मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन तुम मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दे ही सकते हो। मैं जानता हूँ सतीश तुम्हारे सामने खड़े होने तक की मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने में तुम मेरी मदद जरूर करोगे। लेकिन शायद मैं गलत हूँ, तो मुझे माफ करने के मूड में नहीं लग रहा। कोई बात नहीं सतीश, आज नहीं तो कल क्लाइंट तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ देते तो मुझे वाकई में अच्छा लगता। वैसे क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो आजकल? रमेश मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। आइंदा यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि शायद ही नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे इतनी शराफत से पेश हूँ। सतीश मैं सब कुछ भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, और तुम। एक मिनट, तुम्हें एक सलाह देता हूं, सुन लो। दुनिया बहुत छोटी है सतीश, और गोल भी, इसलिए कभी ना कभी आमना सामना तो होगा ही। इसलिए दुश्मनी उतनी ही करो जितनी निभा सको। कहीं ऐसा ना हो कि खुद की नफरत पर खुद को ही शर्मिंदा होना पड़े।